हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं सिनारियो मैनेजर के बारे में कि यह सिनारियो मैनेजर होता क्या है और इसका उपयोग क्या है और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वह आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान दो पाले, यहाँ पे जो हेडिंग हमारा सिनारियो मैनेजर है, ठीक है, यह हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यह समझिए। जैसे हमने एक हेडिंग लिखा है, इसके नीचे पीसी प्रोडक्शन, ठीक है। सपोज मेरा एक ऐसा कंपनी है जो हम लोग पीसी को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और बनाते समय हम टोटल कॉस्ट चेक करते हैं कि कितना रुपया टोटल बनाते समय लगता है। तो वही हमने कुछ इंफॉर्मेशन रखा है कि पीसी प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए मेरे पास मॉनिटर होना चाहिए, और मॉनिटर कितने का है वो मैंने रेट लिखा है। इससे हमने रैम होना चाहिए, और रैम कितने का वो हमने मेंशन किया है। या 3D हार्ड डिस्क ड्राइव होना चाहिए वो हमने मेंशन कर दिया है। मदरबोर्ड होना चाहिए वह कितने का वो भी हमने मेंशन किया है। SMPS स्विचेड मोड पावर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, वो भी हमने मेंशन कर दिया है। प्लस अदर चार्जेस भी और लगते हैं, मतलब एक पीसी को बनाते समय हमारा टोटल जो कॉस्ट लगता है, खर्च लगते हैं, वह 20,500 लगता है। वैसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। अब यह मैं क्यों यहाँ पे बताया हूँ, क्योंकि सिनारियो मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग एक समरी चेक करके देख सकते। अब कैसा समरी, ध्यान देना, जो बड़े बड़े व्यापारी है वो चेक करते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में यह जो हमने पीसी प्रोडक्शन किया है, जो बनाया है, ठीक है, फ्यूचर में क्या इसका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, और घटेगा तो कितना तक घट सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, और बढ़ेगा तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो उनको अनुमान रख। देखिए, आप तो देखते हो दुकानदार को, पहले से उनको पता चलता है कि आलू का दाम बढ़ने वाला है, तो 10 बोरी पहले मंगवा लेते, ठीक है। मैक्सिमम व्यापारी जो परमानेंट व्यापार करते हैं, ठीक है, अब कुछ लोग नहीं पता चलता है तो वही नुकसान में जाते हैं, खरीदते हैं 10 में और पता चला और सस्ते में बेचना पड़ा 8 रुपये, तो नुकसान हो जाता है। ये मैक्सिमम व्यापारी बहुत चालाक होते हैं, पहले से व्यापार के बारे में जानते हैं कि अब इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है इसका वैल्यू, तो मैक्सिमम वो सोचते नहीं बढ़ने वाला है तो पहले ही ज्यादा माल मंगवा लेते। तो अगर 10 रुपये के रेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, और बढ़ने वाला 12 रुपये होने वाला है, तो ज्यादा फायदा कमा। लेकिन ऐसे बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं ना, उनको मार्केट के बारे में पता होता है कि सबसे ज्यादा डील किस प्रोडक्ट पे हो रहा है या किस कंपनी के द्वारा हो रहा है। तो पहले वो चेक करता है कि मैं सामान जो बना रहा हूँ टोटल कॉस्ट कितना लगा, अगर इन्हीं के फ्यूचर में अगर कम हो जाए तो कितना कम हो जाए, और ज्यादा हो जाएगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा, एक समरी तैयार करता है। वो समरी जो तैयार किया जाता है, अगर एक्सेल पे वो काम करता है उस सिनेरियो मैनेजर से किया जाता है, लेकिन अगर खुद अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग तरीका होता है। मैक्सिमम लोग आज भी समरी देखने के लिए एमएस एक्सेल में सिनारियो मैनेजर का यूज करते हैं। प्लस सिनारियो मैनेजर कुछ करना नहीं, हम बस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और करेंट वैल्यू प्रेजेंट में कितना लगा हुआ है, इनका एक जगह समरी देखने के लिए ही हम लोग सिनारियो मैनेजर का यूज, ठीक है, और अदर कोई यूज नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, जो फर्म किसी सामान को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ऐसे कंडीशन में ज्यादा यूज, तो बहुत सिंपल है। बस आप लोग देखिए कैसे इसका यूज करेंगे और कैसे वो समरी दिखाएंगे। देखो मैंने समरी दिखाया अभी है, ठीक है, लेकिन दूसरे पेज में पढ़ाया तो मैंने निकाला होगा, ठीक है, प्लीज मैं इसको डिलीट करके और नए सिरे से इसको बता रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ ऐसा डाटा बना लेना। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने पीसी प्रोडक्शन लिखा तो यही लिखना, आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख देना, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स डिवाइसेस लगने वाले हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि पीसी में क्या क्या लगता है, तो मैंने लिख दिया। अभी अगर मैं लिख दूं फोन, तो फोन में पता ही नहीं क्या क्या लगेगा, दो चार नाम जानता हूँ, ठीक है, और भी नहीं जानता हूँ। पीसी मान लो हमेशा चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या लगता है। तो वैसे जिस प्रोडक्ट को बनाइएगा और यहाँ पे दिखाइएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल लगने वाले हैं। तो हमारे रॉ मटेरियल जो लगने वाले हैं मैंशन कर दिया है, ठीक है, करके दिखाऊं, बोलो।
हाँ ना कुछ नहीं बोलते हो। जी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये लिखने के बाद से आएंगे टोटल अमाउंट पे, और जो टोटल अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे डाटा टैब, और डाटा टैब पे जाने के बाद से यहाँ पे देखो यहीं पे ऑप्शन आएगा व्हाट इफ एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे, और मैंने देखो गोलसिक भी पढ़ा दिया इसमें, डाटा टेबल भी पढ़ा दिया है, बस सिनेरियो मैनेजर हमने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, और छूट भी जाता अगर नहीं पढ़ाते तो, ठीक है, तुम लोग पूछते भी नहीं सर क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम लोग पूछते है ही नहीं, ठीक है सर जी जो कहेंगे वो मान लेंगे हम, ठीक है, आते हैं और व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अब देखो मैंने पहले बना के रखा है तो इसको पहले डिलीट करते हैं, क्लोज करते हैं, और जो सीट पहले से बना है इसको भी डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डाटा टैब में आएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे ऑप्शन दिया है ऐड, कल भी हमने ऐड किया था ना, चलो आज भी ऐड करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने बाद से तुरंत पूछेगा सिनेरियो नेम, मतलब जो समरी दिखाओगे वो उसका नेम क्या होगा, तो उन्हें बोला मिन वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू, और कराया चेंजिंग सेल, मतलब चेंजिंग किसमें करना है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, किसको, जो रॉ मेटेरियल में पैसा हमने लगाया है पूरा सेलेक्ट करेंगे, और इतना सेलेक्ट करने के बाद से हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद से देखो यहाँ पे अब वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमने रखा ना, तो मेरा टारगेट क्या है, मतलब कम होगा तो कितना हो सकता है, वो आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, तो मैं जानता हूं कि इस मार्केट में बहुत ही इसका वैल्यू कम होगा, ये जाएगा 4800 तक, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके बाद से जो 1500 में मिला था बहुत ही कम मिलेगा तो 1300 मिलेगा, उसके बाद से यहाँ पे 2500 मिल जाएगा, मतलब हमने वैल्यू कम कर दिए, जितने वैल्यू सब में चेंज करेंगे, कुछ जरूरी नहीं है कि सब में चेंज करेंगे, कई बार ऐसा होता है एसएमपीएस उस महीने में कम ना ज्यादा हुआ उतना ही रहने देंगे, ठीक है, लेकिन हम सब कम करके दिखा रहे हैं जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आए कि चेंज कैसे करोगे आप लोग, 1200 कर दिया, चलो हम एक दो को छोड़ भी सकते हैं, लास्ट में कितना है 3000, तो चलो अदर चार्ज में जितना लगते थे आज भी उतना ही लग रहा है, इसलिए मैंने उतना ही छोड़ दिया, अब कुछ नहीं करना है हमें, ऐड करना है, ओके मत करना, ओके करोगे तो गलत हो जाएगा, आगे आप लोग समरी नहीं देख पाओगे, तो पहले ऐड करना, और ऐड करना फिर से देना मैक्स वैल्यू, और बाय चेंजिंग सेल तो पहले से जो है वो सिलेक्टेड है कि कुछ करना नहीं है क्योंकि अभी मैंने सेलेक्ट किया है, और कर देंगे ओके, फिर से वैल्यू वही आएगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देना है, तो यहाँ पे बहुत जाएगा तो 5500 मिलेगा, रैम हो जाएगा 2000 तक, उसके बाद से जो हार्ड डिस्क मिलेगा बहुत जाएगा तो 3200 मिलेगा, मदरबोर्ड 7000 में मिलेगा, उसके बाद से और कम ज्यादा नहीं हुआ है, हाँ चार्जेस थोड़ा सा बढ़ गया हमारे 4000, अब इस बार ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें दो ही टारगेट देख रहा था, तो हमने पहला बना के ऐड कर लिया और दूसरा बना के ओके करेंगे, क्यों, क्योंकि और बनाना होता तो देखते, तो हमने करंट वाला पहले से ही लिखा है, और मिनिमम भी देख लिया, अब मैक्सिमम भी देख लिया, इसलिए हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसीलिए हम कर देंगे ओके, ओके करते ही यहाँ पे मिन वैल्यू भी आ जाएगा और मैक्स वैल्यू भी आ जाएगा, अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो समरी देखना है, समरी देखने के लिए देखो यहीं पे नीचे ऑप्शन दिया है, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, मर्ज करने जा ही रहे हैं तो हमको मर्ज के साथ समरी दिखाइए, इसीलिए हम कर देंगे यहाँ से समरी पे क्लिक, और जैसे समरी पे क्लिक करेंगे ना दो ऑप्शन पूछा जाएगा, सिनारियो समरी आपको दिखाएं या सिनारियो पाइवोट टेबल दिखाएं, तो पाइवोट टेबल हम देख चुके हैं पढ़ चुके हैं, हमको सिनारियो समरी दिखाइए, पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिपोर्ट नहीं देखेंगे, हमें इस रिपोर्ट को सिनारियो समरी में देखना है, तो बस यहाँ पे क्लिक रहने देंगे, हाँ रिजल्ट सेल्स में हम टोटल अमाउंट जो सेलेक्ट किए थे वो सेलेक्टेड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप सेलेक्ट कर लेना, अगर होगा तो छोड़ देना, कर देना ओके।
अब देखो जैसे मौके करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कई लोग थोड़ा भी गलती कर देंगे तो बारिश बराबर आएगा। इसमें से इतने लोग बैठे हो ना, किसी ना किसी की गलती आएगा कि सबका 20,500, 20,500, 20,500 है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो तुरंत एरर दे देगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग आपको दिखेगा। ठीक है, अगर जैसे मैं किया वैसे करोगे तो गलत नहीं आएगा। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है करेंट वैल्यू, और ये करेंट वैल्यू इस समय का है, प्रेजेंट टाइम, वो है 20,500। अगर इस महीने के लास्ट तक अगर बहुत कम होगा तो मिनिमम वैल्यू जाएगा वो आ जाएगा 18,800, और ज्यादा भी होगा तो जाएगा 23,200। मतलब उस व्यापारी ने यह चेक कर लिया, एक परिदृश्य देख लिया कि मैनुअल तरीके से करेंट वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और तीनों वैल्यू को चेक करेगा, और तीनों वैल्यू को चेक करने के बाद से तब उस प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करेगा कि मार्केट में लोगों के हिसाब से मैं कितने में बेचूंगा। तो वह जो रेट डिसाइड करेगा उतना करेगा कि ना इससे कम जाएगा, ठीक है, और ज्यादा तो सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा चला जाए कम ना, ठीक है। तो जो रेट रखेगा जायज की बात है 20,500 से ज्यादा ही रखेगा। क्यों? क्योंकि इसका टोटल कॉस्ट इतना ही लगा है, ठीक है। कम होगा तो होगा ना, फ्यूचर में पड़ेगा तो इतना पड़ेगा ना, प्रेजेंट टाइम में यह है तो हम इसी रेशियो के हिसाब से लेके चलेंगे। हाँ, एक बात और, कम होगा तो फायदा ही है, ज्यादा होगा तो नुकसान होगा, क्योंकि 20,000 लगा रहे तब तो कितना लग रहा है, 23,000 लग रहा है, और उस समय प्रोड्यूस हम कम किए थे और मार्केट में बेच रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, और बार बार रेट घटाना बढ़ाना दिक्कत हो जाती है। तो जब वैल्यू रखेगा उसका रेट, तो 23,200 से ज्यादा ही रखेगा, ना कि उससे कम रखेगा, ठीक है। मतलब अगर कम भी हो जाए उसे नुकसान ना हो, इतना लगा है उतना निकल के चला। तो आप लोग देखे होंगे ना, किसी फोन को सर्च करना तो आज सर्च करोगे तो मिलेगा 4,099 रुपए में, कल सर्च करोगे अगर ज्यादा लोग खरीद लिए हैं तो वही बोलेगा 5,099 रुपए, और कम बिक्री हुआ तो वही कम हो जाएगा 3,099 रुपए। मतलब वह जो प्रोडक्ट है उसके मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट में डील कितना हो रहा है, मतलब कस्टमर उसको पसंद कितना कर रहा है। वही सामान ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगते हैं वो महंगा हो जाता है, नहीं करते तो सस्ता हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन फिर से बना दिया नया और कॉस्ट ज्यादा लग गया, ठीक है। वो बनाता तो एक बार प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करता है, लाखों करोड़ों फोन एक बार में प्रोड्यूस करेगा, एक बार लॉन्च करेगा, एक बार बेचेगा, ठीक है। हाँ, मार्केट में उसकी स्थिति क्या, उसके हिसाब से लोग वैल्यू घटाते बढ़ाते और ऑफर देते हैं। नए नए फोन आते हैं तो ऑफर दिए जाते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो ऑफर दिए जाते हैं कि कस्टमर इसको जाने देखे, और वही ऑफर कुछ देर के बाद खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर इसके ज्यादा बढ़ गए और प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोड्यूस कम हो रहा है, इसीलिए मार्केट में वैल्यू उसका बढ़ जाता है, ठीक है। वही सही नहीं रहता है तो सपोर्ट ही नहीं करते हैं। हम फोन खरीदे कहने पर तुम मत खरीदना, क्यों? क्योंकि खराब है, चलता नहीं, सही से हम खरीद लिए, आप मत खरीदना, अपना दूसरा खरीद, वही सही रहेगा, कहेंगे नहीं खरीद लो, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, इस समय 20% इसका यूज लोग करते हैं। आपको तो क्यों? क्योंकि देखो हर एक कंपनी का लोग ब्रांडेड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता गया है, ठीक है। नए नए सॉफ्टवेयर आते गए हैं, नए नए सॉफ्टवेयर लोग डेवलप करते गए हैं, इसीलिए अब बड़े बड़े व्यापारी एक्सेल पे डाटा एंटर नहीं करते हैं, अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और खुद का सॉफ्टवेयर बनवा के 2-4 दिन ट्रेनिंग दे देते हैं, जो सीखता है कंप्यूटर जानता है, जो जॉब करता है, और आसानी तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैक्सिमम लोग एक्सेल का यूज करते थे, ठीक है, और आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो एक्सेल का किया जाता है। तो जो छोटे मोटे व्यापारी हैं पर आज भी अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हैं और ना बनवाए हैं, तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए एक्सेल, आप लोग कोई भी देखो कंप्यूटर सीखने आता है तो कहता है मैं एक्सेल सीखना था, क्योंकि पूरी कंट्री में यूज होता है। और लेकिन अदर जो सॉफ्टवेयर ना, हर एक कंट्री में अलग अलग टास्क लोग करते हैं, अलग अलग अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके जैसा भी कोई सॉफ्टवेयर आया ही नहीं, ठीक है। आए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा फीचर इसमें दिया है अदर किसी में नहीं दिया। आ चुका है एक एमएस ऑफिस की जगह लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लोटस ऑफिस, स्टार ऑफिस, ठीक है, बहुत सारे आए हैं, लेकिन वो कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मान लो हमारे इंडिया में दो इस्तेमाल होने लगा, एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कब से? 2019। अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहा है लिब्रे ऑफिस को, क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम सर्विस लेंगे तो पैसा लेता है, खरीदना पड़ेगा,
और लिब्रे ऑफिस का यूज करेंगे एक भी रुपया नहीं मिलता। और जैसा फीचर्स एमएस ऑफिस में दिया है सेम वैसा फीचर्स लिब्रे ऑफिस में दिया है। तो गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट में रख लिया ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस, मतलब जो ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाएगा ना एमएस ऑफिस का क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उसे लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एमएस ऑफिस पूरा पढ़ के जाओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। हमको लिब्रे ऑफिस पढ़ना पड़ेगा ट्रिपल सी, ठीक है। इसीलिए हम लोग ट्रिपल सी का अलग से तैयारी कराते हैं एक दो महीना, जब टॉपिक जो चलेगा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जब आप लोग ट्रिपल सी करना हो, ठीक है, तो एक बैच स्पेशल बनाए जाते हैं, उसमें केवल लिब्रे ऑफिस ही पढ़ाया जाता है। और लिब्रे ऑफिस के साथ साथ बहुत सारे उसमें दिया है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बिग डाटा, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क से रिलेटेड दिया है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ईमेल, ठीक है। तब लगभग 9-10 टॉपिक है उसमें, वो पूरा कवर करने के बाद ट्रिपल सी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने से पढ़ रहे हो आप लोग और ट्रिपल सी के फॉर्म भर देना कोई पास नहीं होगा, फेल होकर चले जाओ, क्योंकि टॉपिक सब अलग अलग है। अभी तक हम ट्रिपल सी का 2 ही टॉपिक पढ़े ही, कौन कौन सा, फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और 9 टॉपिक है, तो 7 टॉपिक नहीं कवर करोगे तो ट्रिपल सी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वो हम लोग ट्रिपल सी जब तैयारी कराते हैं तब बताते हैं, अलग से क्लास चलता है उसका, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हुआ सबको, कर ले जाओगे ना क्या, मतलब आप मैक्सिमम देखो, मिनिमम मैक्सिमम करंट वैल्यू ही चेक किया था, इसके अलावा क्या आप चेक करेंगे बताइए। नहीं मतलब प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हम लोग देखना होता है यही सब लोग देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर प्रोडक्ट हम बना रहे थे ही तो हम चेक करेंगे करंट का वैल्यू क्या है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके हिसाब से अदर कुछ हम चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ क्या कर रही हो, मतलब सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ये कहो, लिख लो,